आज भारतवर्ष के लॉकडाउन के 13 दिन पूरा हुआ, अब सिर्फ 8 दिन बचा है। मैं हिमाचल वासियों को धन्यवाद करना चाहता हूं, इनके सहयोग से हम पूर्ण रूप से लॉकडाउन अब तक करने में कामयाब रहे। अब तक हिमाचल में इस वक्त 11 कोविड पॉजिटिव केसेस है और 11 का 11 तबलीग जमात के लोगों का है जिन्होंने निजामुद्दीन में मरकज अटेंड किया था और अभी कल 4 और डिटेक्ट हुए। इन 11 में से वो चंबा के तीसा इलाके के थे और ट्रेन से ट्रेवल किया 20 मार्च को, और ट्रेन का कोच हम पता कर रहे हैं, जिस गाड़ी में चंबा गए उसका भी पता कर रहे हैं और लोगों को अनुरोध करेंगे क्वारंटाइन में रहने के लिए ताकि ये स्प्रेड ना हो। और हमारा मकसद है ये चेन को ब्रेक करना। जहां जहां कोविड पॉजिटिव केसेस आते हैं वहां वहां हम चेन को ब्रेक करते जा रहे हैं ताकि ये स्प्रेड ना हो और हिमाचल प्रदेश कोविड फ्री बने। और अब तक जो है, कल तक जो है, 92 तबलीग जमात के जो लोग सामने आए उन्होंने कहा है कि उनका फर्स्ट कांटेक्ट हुआ है और वो क्वारंटाइन में रहे, और कुल मिला के इस वक्त 421 लोग जो तबलीग जमात के संबंधित लोग हैं वे क्वारंटाइन में चले गए हैं। और इसके लिए मैं तबलीग जमात के लोगों को और इनके डिस्ट्रिक्ट अमीर को धन्यवाद करना चाहता हूं। और मेरी अनुरोध है तबलीग जमात के जो उन लोग हैं जो प्रॉफेट मोहम्मद के मैसेज को समझ नहीं पाते, प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा है कि अगर कोई लेपर या कुष्ठ रोगी आपको चेस कर रहा है आपको उतना तेजी से भागना है जैसे कोई शेर आपका पीछे कर रहा है। प्रॉफेट मोहम्मद ने यह भी कहा है कि अगर आप घर के अंदर ही रहोगे अल्लाह आपकी रक्षा करेगा। प्रॉफेट मोहम्मद ने यह भी कहा है कि जो इन्फेक्टेड लोग हैं वे हेल्दी लोगों से अलग रहे। मेरे ख्याल में ये रिलीजियस जो मैसेजेस है सबको समझना चाहिए। और सभी धर्म के अनुयायियों को मैं पुनः कहना चाहता हूं कि हमारे संविधान के आर्टिकल 59(a)(h) के मुताबिक हमें साइंटिफिक टेंपर अपने आप में डेवलप करना चाहिए, अपने आप को रिफॉर्म करना चाहिए। और कुछ एक रिलीजियस प्रैक्टिस कई सेंचुरीज ओल्ड है, उस वक्त साइंस का इतना तरक्की नहीं हुआ था, आज साइंस का बहुत सारे आविष्कार हुआ। हमारा मन में ये चेंजेस आना चाहिए और रिलीजियस प्रैक्टिस में भी चेंजेस आना चाहिए। ये बात हर एक नागरिक का फंडामेंटल ड्यूटी है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन में दर्शाया गया एक ऑब्लिगेशन है। और कुछ एक बातें हमारे नॉलेज में आया है कि कुछ लोग रोज बाहर निकलते हैं सामान खरीदने के लिए। मैं समझता हूं कि 2-3 दिन में एक बार बाहर निकलना काफी होता है। अगर रोज कर्फ्यू का रिलैक्सेशन होता भी हो तब भी आप घर से बाहर 3 दिन में एक बार निकल सकते हैं, तो ऐसा करने से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में हम कामयाब हो सकते हैं। और कुछ एक बात हमारे ध्यान में आए, कम्युनल डिवीजन के आधार पर कुछ लोगों को मकान खाली करने का आदेश दिया जाता है, ये सही नहीं है। इस वक्त हमारा आपस का डिफरेंसेस भूल के मिलजुल कर हमें वायरस के खिलाफ लड़ना चाहिए। और जैसे बिल क्लिंटन ने कहा है कि आपस में हमारा डिफरेंसेस हो सकते हैं लेकिन जब वैश्विक महामारी आता है तो मिलकर लड़ने से हम ज्यादा कामयाब हो सकते हैं, तो इसलिए कृपा करके इस तरह का आदेश ना दें। और एक बात और कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी के जो पीएम केयर फंड है क्रिएट किया गया कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए, पीएम रिलीफ फंड भी है, हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर कोविड फंड है और सीएम रिलीफ फंड भी है, आपको इस पे लिबरली डोनेट करना चाहिए। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, क्लियर करना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री महोदय राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे तो मैं भी उस पे मौजूद था। उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि राज्यों को जितना पीपी किट या मास्क या जो भी चाहिए वो उपलब्ध किया जाएगा और किसी भी राज्य से 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि हम जितना देश के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं वो प्रोड्यूस करेंगे और दुनिया में जहां जहां ये मिलता है उसको हम मंगाएंगे और हम एक क्वालिटी
मेंटेन, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्वालिटी मेंटेन करेंगे। उन्होंने ये भी अनुरोध किया था कि शासन प्रशासन और जनता जनार्दन मिलके इस महामारी के खिलाफ लड़ना आवश्यक है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो हिमाचल प्रदेश के जो कोविड फंड है, इस फंड से हिमाचल प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सबसे पहले अगर इस कोविड फंड से किसी को धन उपलब्ध किया तो वो पुलिस विभाग के लिए है। इसलिए मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि आप थोड़ा लिबरली इस फंड में, दोनों फंड में कंट्रीब्यूट करें। और जो हम दूसरों को मदद करते हैं, दूसरों का भला चाहते हैं, तो इसका बेनिफिट हमको खुद होता है। और जैसे कहा जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामय, दुनिया के लोग खुश रहे और पूरा दुनिया के लोग जो है रोग मुक्त रहे। जैसे मैंने कहा है कि जब हम दूसरों को मदद करते हैं तो अपने आप को मदद करना करने का बराबर है, और दूसरों को मदद करना अपने आप को मदद करने में कोई फर्क नहीं है। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, ये सत्य घटना है। अमेरिका में एक अरबपति होते थे जिनका नाम जॉन डी रॉकफेलर। उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर कमाया, उनका जिंदगी का एक ही मकसद था पैसा कमाना, और उन्होंने पैसा कमाया। जब उनका उम्र 48 साल हुआ, उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ और डॉक्टरों ने कहा कैंसर बहुत फैला हुआ है, रॉकफेलर 8-9 महीने से ज्यादा नहीं बचेंगे। रॉकफेलर ने सोचा पैसे को क्या करूं, उन्होंने दुनिया भर उस पैसे को बांटना शुरू कर दिया, गरीबों को, रोगियों को और स्टूडेंट्स को जिनको जरूरत है उनको। और उनका मन में एक बदलाव आया, पैसा इकट्ठा करने की जगह पैसा बांटने में वो उनको ज्यादा खुशी प्राप्त हुई। उनका जो मन परिवर्तन के कारण से वे 98 साल जिए और उनका कैंसर गायब हुआ। इसलिए जब हम दुनिया का भला चाहते हैं तो अपने आप को बेनिफिट इसको पा सकते हैं, और जो रोग हमारे अंदर आ नहीं सकता है, अगर रोग या वायरस आ भी जाता है वो आपको डैमेज नहीं कर सकता है। इसीलिए विंस्टन चर्चिल ने कहा, यू कैन जस्ट लिव बाय गेटिंग कलेक्टिंग एंड एक्यूमुलेटिंग बट यू कैन मेक योर लाइफ वर्थ बाय गिविंग। आप सिर्फ पैसा इकट्ठा करने से, धन इकट्ठा करने से जी सकते हैं, लेकिन आप समाज को देने से, दूसरों का भला करने से आप एक सार्थक जीवन जी सकते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप इस फंड में लिबरली डोनेट करें। जय हिंद, जय हिमाचल।